बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग किस दुनिया में व्यस्त रहते हैं या किस दुनिया में जीते हैं। मतलब आपकी उम्र अराउंड 16 से 18 के होने वाली है, ठीक है, या 18+ हो गई है एज। और आप जो है एक बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप करते क्या हैं? आप अपने गार्जियन को या पेरेंट्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं? चीट करते हैं। कैसे चीट करते हैं? आप जब भी ये आपकी मॉनिटरिंग करते हैं, पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तो आप क्या बोलते हैं? ठीक चल रहा है। यही स्टेटमेंट होता है, बढ़िया चल रहा है, नहीं? और क्या बोलते हैं? चल रही है। सो 95+% लोग ना झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो आप अपने आसपास छोड़िए, आप खुद को देख लीजिएगा कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और ये बात एक दिन की नहीं है कि आज आपने पढ़ाई कर ली, आज ही पूछ लिया, नो, ये आपके रेगुलर शेड्यूल की बात हो रही है। और इन सब चीजों के बावजूद भी आप क्या सोचते हैं? नहीं, पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, बस। पढ़ाई करो नहीं करो उससे क्या फर्क पड़ता है? पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, अदरवाइज जिंदगी में क्या है? बस खुश रहो। अरे खुश तो रहना ही है। क्या आप ये करके, अगर कर लोगे, ये सच बोलने लगोगे और पढ़ाई कर लोगे, तो उससे आप नाखुश हो जाओगे? नहीं भाई, किस दुनिया में रह रहे हो? और देखिए आप लोग इतना समझाने के बावजूद भी, ठीक है, ऑनलाइन में आप लोग कितना सुनते हैं कितना नहीं सुनते हैं, हालांकि अभी व्यूज़ ही कम रहते हैं तो बच्चे इसका मतलब कम विजिट करते हैं, जो भी है, इसको भी इनकॉग्निटो लगा के देखने लगे हैं कुछ बच्चे कि हमारा वो ना दिखे, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उनको मैंने देखा है कि अलग ही दुनिया में रहते हैं। आप लोग पहले से ही ब्लेम करने का ना दिमाग में बैठा लेते हैं। ये जो ब्लेम गेम है ना, ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स है, पहले से ऑलरेडी फिक्स है भाई। इसको निकालो बाहर, इसको निकालो, ये बाहर निकालो। ब्लेम गेम से काम नहीं चलने वाला है, ब्लेम गेम से काम नहीं चलने वाला है, इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो कहानी तो यहीं गड़बड़ हो गई है, ठीक है। डू नॉट लाई टू योर सेल्फ, डू नॉट लाई टू योर सेल्फ। बहुत ज़रूरी है आपको कि ये समझना कि नहीं, खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खुद को पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं हमेशा बस एक ही बात बोलता हूँ कि आप तैयारी शुरू कर दिए हैं तो चाहे आपकी इच्छा थी या नहीं थी, अगर शुरू कर दिए हैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, समझ रहे हैं ना? अगर शुरू कर दिया है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, नहीं शुरू किया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन डू नॉट डू ब्लेम गेम, ठीक है, कि तैयारी कर रहे हैं। अब ब्लेम गेम खाली गार्जियन के ऊपर नहीं होता है, टीचर्स के ऊपर होता है, कोचिंग्स के ऊपर होता है, ठीक है, टाइम के ऊपर होता है, डिस्टरबेंस के ऊपर होता है, लेकिन जब खुद का डिस्टरबेंस खुद आप करते हैं तब नहीं। डिस्ट्रैक्शन, जो ये निब्बी निब्बा वाले गेम में फंसते हैं ना, 50% बच्चे तो निब्बी निब्बा में फंसे हुए हैं। इसका मतलब जानते हैं ना? पता होगा, बहुत तेज हैं आप लोग, रील्स देख देख के आप लोगों को लगता है ना कि मतलब आपसे दुनिया में तेज कोई है ही नहीं है। तो ये निब्बी निब्बा वाला जो गेम है ना, इसमें 50% से ज़्यादा लोग जो है ना इसमें फंसे हैं। और जो निब्बी निब्बा से बाहर हैं, ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनका भी डिस्ट्रैक्शन आपसे तगड़ा वाला है। आप तो खाली अपने में फंसे रहते हैं, ये पूरी दुनिया में फंसे रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं?
बाहर निकलिए भाई साहब, एंड दोनों भाइयों और बहनों, ठीक है, जो लेडीज लेडा और लेडी दोनों हैं ना लोग, ठीक है, दोनों लोग बाहर निकलिए, बाहर निकलिए और आप इस पे फोकस करिए, यही आपकी ज़िंदगी है, यही आपकी ज़िंदगी है। सिलेक्शन हो नहीं हो दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप कहते हैं ना कि आप रणभूमि में मिला लड़े, अगर कह दें कि अरे यार लड़ाई में मज़ा नहीं आता है, लड़ाई अच्छी नहीं होती है, तो आपको पता ही नहीं कि लड़ाई लड़ी क्यों गई थी, समझ रहे ना। लड़ाई लड़ने के बाद पता चलता है कि लड़ाई लड़ना ज़रूरी था कि नहीं था, आप पहले नहीं कह सकते हैं। ये वही वाला गेम है कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करिए, उसके बाद बोल दीजिएगा अरे हमको करना ही नहीं था, हमको करना ही नहीं था। अरे जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं ना, तो जो कर रहे हैं उसको ढंग से कर लीजिए, वो बेहतर होगा। चलिए, बात सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी, सब लोग इच्छाधारी हैं, ठीक है। वीडियो वॉच करते समय से तकिया लगा के दीवार में सो जाते हैं फैल के, उसके बाद सोचते हैं कि बस देखते हैं वीडियो, जैसे लग रहा है मूवी चल रही है। पढ़ाई है भाई, ये नॉवेल या मूवी की स्टोरी मूवी नहीं है, और ये दूसरे तरीके से थोड़ा इसको अप्रोच किया जाता है, समझ रहे कि नहीं। चलिए खैर, हम ना शुरू करते हैं डिकम्पोजिशन, नहीं तो वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, और एक दो लोगों ने हमको ये सजेशन दे दिया है, अच्छे लोग ही, कि मतलब नहीं वीडियो छोटी बनाएंगे तो बच्चे थोड़ा देखेंगे, तो हमने कहा चलिए भाई वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब छोटा कैसे बनाया जाए। हम लोग मतलब ऐसे वाले हैं कि 2-3 घंटा पढ़ाते रह जाने वाले, और आप लोग जो है 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो में खुश हो जाते हैं। चलिए, सो इकोसिस्टम का चैप्टर हमारा चल रहा है, और इसमें हमने पिछले टॉपिक में प्रोडक्टिविटी पढ़ा था, और बेसिक जो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग होती है, मतलब इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर होते हैं उसको देखा। फंक्शनिंग में हमने प्रोडक्टिविटी पढ़ा है, और दूसरा प्रोसेस डिकम्पोजिशन का है, और इसके पहले हमने पॉन्ड इकोसिस्टम को भी समझ लिया था, जितना दिया है थोड़ा सा उससे रिलेटेड चीज़ों को। अलग से भी मैं क्लास लूँगा पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, अगर और डिटेल आपको जानना होगा तो आप फिर से वीडियो वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, आप अपने आसपास देखते होंगे, गर्मी का मौसम है, ठीक है, और इसी मौसम में होता है ना, ये मौसम शुरू होने से पहले मार्च अप्रैल में पतझड़ का मौसम आता है, देखेंगे नहीं पतझड़, देखेंगे नहीं पतझड़ क्या होता है। पतझड़ में पत्तियां झड़ती हैं, ठीक है, पतझड़ में क्या होता है, पत्तियां झड़ती हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट ये नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं डेसीडियस ट्री और डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। डेसीडियस का मतलब है जो साल में या अपने लाइफ साइकिल में, मतलब ऐसे पत्तियां साल भर में एक बार गिराते रहते हैं, ठीक है, और एवरग्रीन होता है ऐसा फॉरेस्ट नॉर्मली, जो फॉरेस्ट में कभी वो ऐसा नहीं दिखेगा बिल्कुल ठूस ठूठा, ठीक है, लेकिन डेसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो ठूठा दिखेंगे एक बार, मतलब आपको लगेगा कि सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, फिर नई पत्तियां एकदम नई नवेली हरी लाल पत्तियां आपको दिखेंगी, ओके। ऑब्वियसली बाद में लास्ट में वो आपको ग्रीन ही दिखेंगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है उनको। सो डिकम्पोजिशन, तो ये जो पत्तियां गिरती हैं नीचे, ठीक है, तो पत्तियां गिरती हैं तो पत्तियां वैसी की वैसी तो रहती नहीं है, आप चाहे पत्तियों की बात कर लीजिए, या कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कुछ भी मरती हैं, अगर उनको कोई ऐसे ही ज़मीन में गाड़ देता है या ऐसे फेंक देता है कहीं, तो क्या वैसे ही पड़े रहते हैं क्या, नहीं नहीं महक भी आती है, बदबू आती है वहाँ से, मतलब जब सड़ती हैं चीज़ें, लेकिन वैसे नहीं पड़े रहते हैं, समझ रहे हैं ना। पिछले कहानी में, पिछले चैप्टर में हमने बोला था कि इसी को बोलते हैं, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, इसी को अगर बहुत ही ब्लंट लैंग्वेज में और जो हमारा मिथिकल लैंग्वेज या जो सही में बोला जाता है कि भाई किसी को आपने डेथ पायर पे आग लगा दी या उनको ज़मीन में गाड़ दिया जहाँ पे दफनाने का प्रचलन है, तो वो धीरे 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 क्या होते हैं, पंच तत्व में विलीन होते हैं। ये हिंदू के केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि इमीडिएटली आग लगा देते हैं हम, जहाँ पर भी आग लगाई जाती है वहाँ तुरंत बर्निंग होती है, पूरा जो राख है, ठीक है, जो एशेस होते हैं वो आप बहाने भी जाते हैं पानी में और वहाँ पर भी मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कहते हैं ना कि भाई मिट्टी में मिल गया सब कुछ, वही है, बाकियों में होता है, बाकियों में स्लो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे तो हमने आग लगा दिया, मैक्सिमम मटेरियल को ब्रेक डाउन करके राख में बना दिया, और राख में जो भी मिनरल होगा जब वाटर वाटर के साथ वो मिक्स होगा तो वो सॉयल में फिर से रिलीज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपने बॉडी को ऐसे फेंक दिया, थ्रो कर दिया, मान लीजिए डॉग वगैरह है कुछ या कुछ और है, तो उनको भी नॉर्मली लोग ऐसे फेंक देते हैं कभी जंगल में या जो भी है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप जाके देखेंगे ना तो वहाँ कुछ बचेगा नहीं, वहाँ केवल क्या दिखती हैं, बोन्स दिखती हैं,
बोन्स क्यों दिखती हैं? क्योंकि इसका जो डिकम्पोजिशन होता है ना बहुत स्लो होता है, बोन का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, ठीक है। हेयर का डिकम्पोजिशन और स्लो होता है, तो हेयर गाड़ के आप रख दीजिए किसी का, ठीक है। हाँ, भूत वगैरह ना करिए भैया, ठीक है। बंगाली लोग अगर कोई है तो ध्यान रखिए। अरे कोई टेंशन ना लीजिए भाई, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। भूत वगैरह अपना जो भी है, जिसको लगता है कि होता है तो ठीक है, जिसको नहीं लगता नहीं होता तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। स्किन हो गई, बहुत फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। ऐसे अदर जो ऑर्गन्स हैं उनका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है। डिकम्पोजिशन का बेसिक मतलब है क्या, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अल्टीमेटली वो फिर से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, कहाँ, नेचर में या इन्वायरमेंट में, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली में इन्वॉल्व कौन होता है डिकम्पोजिशन में? डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। अरे भाई डिकम्पोज कर रहे हैं इसलिए उनका नाम क्या हो जाता है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। अरे ये ऐसा नहीं कि म्यूजिक को डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर होते हैं, क्योंकि कंपोजर को जो कंपोज करते हैं उनको कंपोजर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको नॉर्मली आपको डेट्रीबोर्स भी दिखेंगे, ठीक है, डेट्रीबोर्स भी दिखेंगे जो थोड़े बड़े होते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, ठीक है, या ऐसे और जो कीड़े होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें और जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं, जो नॉर्मली आपको ऐसे आँखों से, खुली आँखों से थोड़ा कम दिखेंगे लेकिन फिर भी दिखेंगे, जिसमें फंजाई भी आता है, ठीक है, फंजाई आता है भाई। उसके अलावा क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्लैजलेट्स आते हैं। फ्लैजलेट्स कौन से, जो प्रोटोजुअंस होते हैं बेसिकली, प्रोटिस्टा के उसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। और ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, जो मिनरल ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक बायोमास है ना, बायोमास, बायोमास एक्चुअली में ऑर्गेनिक ही होता है। बायोमास क्यों बोला जाता है, कोई भी मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया गया है, उसको हम बायोमास बोलते हैं या ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से ही होता है बना हुआ, ठीक है, कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्लियर है कि नहीं। इसमें जितने कंपोनेंट हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितने मिनरल्स होते हैं, सब जो है ना ऐसे रिलीज हो जाते हैं। कहाँ पे, वाटर अगर इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो उसमें रिलीज होगा, और अगर टेरिस्टल इकोसिस्टम है तो कहाँ से रिलीज होगा, सॉयल में रिलीज होगा या वाटर में, समझ में आया कहानी। इसमें कई प्रोसेस होता है, हमको उसी प्रोसेस को ध्यान में रखना है और उसी प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसी प्रोसेस से क्वेश्चन बनता है। और डीकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि विदाउट डिकम्पोजिशन जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग है वो पॉसिबल नहीं है। मीनिंग समझ में आया कि नहीं, है जो मैंने अभी वर्ड बोला, डिकम्पोजिशन। व्हाई डिकम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, बिकॉज बिकॉज विदाउट इट नो न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग टेक प्लेस। और अगर न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, अवेलेबल नहीं होगा कहाँ, सॉयल में। और सॉयल में न्यूट्रिएंट नहीं अवेलेबल होगा तो प्लांट अपटेक नहीं कर पाएगा, प्लांट अपटेक जो होगा नहीं कर पाएगा, और प्लांट अपटेक नहीं कर पाएगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, प्लांट ग्रोथ नहीं होगा, प्लांट ग्रोथ नहीं होगा तो फॉरेस्ट या जो ग्रास लैंड है वो नहीं बनेंगे, फिर पूरी कहानी खत्म। तो इकोसिस्टम जो पहले था, एग्जिस्ट करता था, वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्लियर है कहानी। इसलिए डिकम्पोजिशन ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें डिकम्पोजिशन के लिए, डिकम्पोजर्स के लिए कोई जगह नहीं है, हालांकि वो बहुत इम्पोर्टेंट कंड्यूट है,
डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में दे आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्डुइट टू ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, लेकिन इन इनको कोई प्लेस नहीं दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यू मे हैव हर्ड दैट हर्ड ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म को बोला गया है ना, पहले सुनते होंगे कि केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है, ठीक है, तो फार्मर्स फ्रेंड्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को ना एरेट करते हैं, सॉयल एरेशन में हेल्प करते हैं और सॉयल को सॉफ्ट करते हैं, सॉयल एरेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो अच्छा है ना, खेती के लिए अच्छा होता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉयल। तो लूज भी करते हैं मतलब एरेशन होता है, और इसको सॉफ्ट भी करते हैं, और उसके अलावा ब्रेक डाउन भी करते हैं कुछ ऑर्गेनिक मैटर का। भाई खाएंगे, खाने के बाद देखें उनकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट निकलती है, जो पोटी होती है उनकी। सिमिलरली डिकम्पोजर्स, सी यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया ना, डिकम्पोजर्स, ठीक है, तो डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जब ये ब्रेक होता है, ठीक है, बाई द डिकम्पोजर्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनऑर्गेनिक मैटर्स। एक सेकेंड भाई, इनऑर्गेनिक मैटर में जितने भी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं ना, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स या एलिमेंट बोल लीजिए, ठीक है, वो रिलीज हो जाते हैं। कहाँ रिलीज होते हैं? हमने बताया आपको कि अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम है तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में रिलीज होगा, और अगर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो कहाँ रिलीज होगा? टेरिस्ट्रियल में, एक्वाटिक और टेरिस्ट्रियल, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ओके, सो यहाँ पे यही बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन। तो इसमें डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स, सबसे ज़्यादा पत्तियाँ होती है, बार्क, मतलब पेड़ का कोई भी पेड़ लीजिए, उसका कोई भी पार्ट, चाहे पत्ती हो, चाहे स्टेम हो, चाहे बार्क हो, चाहे उसकी ब्रांचेज हो, कुछ भी, फ्लावर्स हो गया, एंड उसके अलावा जितना भी डेड रिमेंस ऑफ एनिमल्स होता है, हमने बताया इसको कि कहीं भी फेंक दिए जाते हैं मरे हुए कुत्ते बिल्ली या गाय भैंस जो भी, ठीक है, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, तो इनके फीकल मैटर जो गोबर होती है, जिसे गोबर की कंडी बनाई जाती है और आग के लिए यूज किया जाता है गाँव में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट दी डेट्रिटस। तो ये ध्यान रखिएगा डेट्रिटस में होता क्या है, तो डेट्रिटस एक्चुअली में क्या होता है, डेड डिकेड मटेरियल, ठीक है, क्या? डेड डिकेइंग मटेरियल, मतलब इसका डीके हो रहा है, डेड डिकेइंग मटेरियल, तो कोई भी चीज़, मरा हुआ इंसान हो, चाहे मरा हुआ प्लांट हो, उसके पार्ट्स हो, ठीक है, इवन फीकल मैटर, ये सारे क्या होते हैं? डेट्रिटस होते हैं, विच इज़ दी रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। तो रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन के लिए क्या होता है? डेट्रिटस होता है, या डेट्राइटस बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, अब ये ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं, सॉरी, इसके प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं, हम बता चुके हैं आपको क्या होता है। सो सबसे पहला स्टेप्स होता है, स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, मान लीजिए ये पत्ती है, हमने बना दी, हरी पत्ती है जो कि पीली हो गई है। पीली कब होती है पत्तियाँ? नॉर्मली जब गिरने वाली होती हैं, जब मरने वाली होती हैं, उसके पहले जो रहती हैं हरी रहती हैं। तो मान लीजिए इसमें हल्का हल्का हरा पैच भी ला दीजिए, ठीक है। सो ये गिर गई है, ठीक है, ये एज अ लीटर है, लीटर का मतलब समझते हैं ना, कूड़ा कचरा, तो पत्ती गिर चुकी है। अब ये ना इसके ऊपर जो है डेट्रीबोर काम करेगा, कौन काम करेगा? डेट्रीबोर। इसी में केचुआ या अदर इंसेक्ट जो होते हैं वो आते हैं। इस पत्ती को ना थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, ब्रेक डाउन करना शुरू किया, पत्तियां ऐसे ऐसे हो रही हैं, आप देखे होंगे पत्तियां झड़ रही हैं कहीं से, इधर से उधर से, ठीक है, ब्रेक डाउन होना शुरू हुआ। अब ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, और छोटा टुकड़ा टूट जाएगा, मतलब ये हो गया ऐसे, हो गया ऐसे, यहाँ पे आपको दिखेगा, क्लियर है। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद, मतलब यही इंसेक्ट या जो अदर सॉयल में एसिड है ना, तो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, पानी उनी जब बरसता है तो इसके कुछ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं ना, लीच डाउन करते हैं, ठीक है। ये लीच वो जोंक वाला लीच नहीं है, उसकी स्पेलिंग एल डबल सी एच होती है, ठीक है।
तो ये लीचिंग है, मतलब सीपिंग, सीपिंग डाउन, ठीक है, या इसको और क्या बोलेंगे, परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल जब नीचे जाता है, ये अगर सरफेस है तो सरफेस से नीचे ऐसे जा रहा है, नॉर्मली पानी के ही इन्फ्लुएंस में जाता है या मॉइस्चर के इन्फ्लुएंस में जाएगा, ठीक है। तो लीचिंग का प्रोसेस भी होगा, लीचिंग के बाद जो मटेरियल ऊपर बचा रहता है वहाँ पे कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस होगा, ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस का फॉर्मेशन, पता है ना ह्यूमस में क्या होता है, एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है मिनरल का रिलीज होना, क्लियर है। इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो वर्ड का मीनिंग दिया है वही याद रखना है, हम बहुत ज़्यादा इसीलिए डिटेल में अलग से नहीं बता रहे हैं आपको, जितना बता रहे हैं वो मोर देन एनफ है, और इसी से लिंक करके मैं बता रहा हूँ बस, अदरवाइज पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है इसमें, एक एक एग्जाम्पल बताना शुरू कर देंगे तो फिर कहेंगे तो है ही नहीं है, याद याद क्यों करें फालतू में, फिर पढ़ते भी नहीं है आप लोग। देखिए हम इसको जितना छोटा चाहते हैं वीडियो बनाना उतना लंबा होता जाता है। डेट्रीवोर्स में क्या एग्जाम्पल है, डेट्रीवोर्स में देखिए एग्जाम्पल है अर्थवर्म का, ये क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं किसको, डेट्रिटस को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, स्मॉलर पार्टिकल में, छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको क्या बोला हमने, फ्रेगमेंटेशन, मैंने बता दिया। अब प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ठीक है, क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं वो कहाँ जाते हैं, डाउन, हम बोला ना परकुलेट करते हैं, नीचे जाते हैं, इसी को लीचिंग बोलते हैं, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड का मतलब क्या है भाई, नीचे जाके बैठ जाएंगे, कहीं तो बैठेंगे ना, मिट्टी के नीचे जाएंगे और नीचे साइड में से इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ से आएंगे लीच करते हुए और इधर साइड पे इकट्ठा होंगे, इसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेशन रेनफॉल वाला या स्नोफॉल वाला नहीं है, ये प्रेसिपिटेशन का मतलब जैसे आप अंडे को बॉयल करते हैं ना, तो उसमें से जो प्रोटीन होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप मिट्टी मिट्टी घोल दीजिए पानी में, उसके बाद कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दीजिए, नीचे देखेंगे मिट्टी की लेयर बन जाएगी, ऊपर पानी एकदम शुद्ध शुद्ध रहेगा, तो वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है, यही है प्रेसिपिटेशन, नीचे जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, लीचिंग के द्वारा होता है, ठीक है। अब लीचिंग के बाद क्या होता है, आगे हमने देखा, लीचिंग के बाद देखिए क्या है, अब बैक्टीरिया एंड फंजाई जो है ना, जिनको हम डिकम्पोजर्स बोल रहे हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है, एंजाइम रिलीज करेंगे, और जो डेट्रिटस बचा है, ठीक है, डेट्रिटस जो है ना, उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक करेंगे, एंजाइम के द्वारा डिग्रेड करेंगे, अरे भाई उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, लिपिड होगा, तो ये सब ब्रेक होगा कि नहीं, इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं होंगे ना, वही यह कर रहा है, उसी को बोल रहा है कि मतलब ये एक्ट करेंगे, एंजाइम जो है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन का प्रोसेस होगा और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ये ब्रेक हो जाएंगे, इस प्रोसेस को इन्होंने क्या बोला, कैटाबॉलिज्म। अरे नाम नहीं सुने हैं भाई, ये हमारा यार मेटाबॉलिज्म जो है ना, मेटाबॉलिक, हमारा जो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं चल रहा है, जब पेट गड़बड़ होता है तो बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं चल रहा है, मतलब क्या है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, अगर नहीं पता है तो भाई जान लीजिए थोड़ा, मेटाबॉलिज्म में दो होता है, कैटा होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एना, एना नाम नहीं है, ठीक है, एना। सो एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बनना, ठीक है, मेकिंग, मेकिंग, ठीक है, मतलब सिंथेसिस। कैटा का मतलब होता है तुड़ना, जुड़ना, तुड़ना ना, तो इधर जुड़ना, इधर तोड़ना या टूटना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करना, तो कैटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आया, तोड़ना, तो यहाँ पे एंजाइम जो है तोड़ते हैं सारे डेट्रिटस को और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है सॉयल में एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है, और वहाँ पे जो है ना ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स इन द डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। तो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ये एक साथ ही प्रोसेस चलता रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि भाई हम पहले, अच्छा ठीक है पहले फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद ही हम दूसरा प्रोसेस एकदम से शुरू करेंगे, नहीं भाई होता रहता है, जितना प्रोसेस पे लीचिंग हो जाएगा लीचिंग होता रहेगा, बाकी प्रेसिपिटेशन सब कुछ एक साथ चल रहा है, ठीक है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, स्टेप बाई स्टेप मैनर में हम बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस लगभग साइमल्टेनियस होता रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन आता है इसके बाद, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन क्या है, ये कब होता है, ये डिकम्पोजिशन के टाइम पर होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या है, ह्यूमिफिकेशन लीड्स, ये देखेंगे साइकिल की कैसे हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल, एक सेकेंड,
ठीक है, ये ह्यूमिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस को बता रहा है, लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर, ध्यान रखिएगा, एमार्फस। एमार्फस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई शेप नहीं हो, ठीक है, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है। अगर शेप शेप ये शेप अगर फिक्स शेप नहीं है, नो फिक्स शेप, उसको एमार्फस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये ऐसे हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे हो गया स्ट्रक्चर, ये सब एमार्फस है। इस शेप को हम टेढ़ा मेढ़ा जिसको बोलते हैं ना, तो वही है, टेढ़ा मेढ़ा शेप का होगा सब्सटांड कॉल्ड ह्यूमस। तो ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनता है, और ये ह्यूमस जो होता है ना, बहुत रजिस्टेंट होता है, किसके लिए? माइक्रोबियल एक्शन के लिए। और इसका डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। तो जहाँ पे भी ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो वहाँ पे मिनरल जो होता है बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है, समझ रहे हैं ना, बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। सो बींग अ कोलोइडल इन नेचर, तो ये भी ध्यान रखना है कि ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, जितने भी ये जो प्रोसेस चल रहा था ना, इसके पहले कैटाबोलिज्म के बाद आ रहा है ना ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, कैटाबोलिज्म के बाद क्या आ रहा है, ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस। तो कैटाबोलिज्म के बाद जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये एक्यूमुलेट करते हैं एक जगह, एक्यूमुलेट करके वो डार्क कलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसका नेचर या शेप क्या होता है, एमार्फस होता है, कोई शेप नहीं होता, इसको ह्यूमस बोलते हैं। और ये जो होते हैं ना, माइक्रोबियल एक्शन के लिए, मतलब जो फंजाई या डिकम्पोजर्स हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, उनके लिए हाईली रजिस्टेंट होता है। हाईली रजिस्टेंट का मतलब वो एक्ट या उनका एंजाइम इनके ऊपर तुरंत तुरंत काम नहीं करता है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है, मीनिंग समझ रहे हैं, बहुत स्लो मिनरल रिलीज होगा सॉयल में। बींग कोलोइडल इन नेचर, अब देखिएगा कोलोइड क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनता है कि ह्यूमस क्या है, ह्यूमस का नेचर क्या है, और ह्यूमस ये देखिए क्या है, क्या करता है, ह्यूमस जो होता है न्यूट्रिएंट रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है, न्यूट्रिएंट रिजर्वायर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसमें इकट्ठा रहता है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाई सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑकर बाई द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। तो सबसे लास्ट स्टेप जो होता है मिनरलाइजेशन होता है। ह्यूमस पे जो कुछ माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, सारे माइक्रोब्स नहीं एक्ट कर पाते हैं, कुछ ही कर पाते हैं, और जो करते हैं, मान लीजिए ये ह्यूमस है, ठीक है, और इसमें ये सारे जो है मिनरल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ह्यूमस है, हमने बताया ना कि ये एमार्फस होता है, तो ये ह्यूमस हो गया, ठीक है, एमार्फस स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, सब न्यूट्रिएंट ऐसे जो है इकट्ठा है एक साथ, मैंने ना एक्युमुलेट हुए हैं, और इस पे माइक्रोब ने एक्ट करना शुरू किया। मान लीजिए यहाँ से हम दिखा दिए, माइक्रोब्स ने एक्ट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे बहुत स्लो जो है ना ये रिलीज हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट है या क्या है, मिनरल्स। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने बहुत आराम से पढ़ाया, आधे घंटे लग गए हमको लग रहा है, मोर देन दैट। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन चाहिए। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज देखिए इन इन एनरोबिक कंडीशन में ना ये प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाता है और हो नहीं पाता है, ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर बहुत ऑप्टिमम चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए होता है, इसलिए बहुत ठंडे जगह पे डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे, अभी आगे होगा, जैसे ये अर्थ होता है, मतलब है, और ये 0 डिग्री लाइन, या इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, सबसे बड़ी जो लाइन है, विषुवत रेखा बोलते हैं ना, बीच में से जो गुजरती है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन होती है, इसके नीचे लाइन होती है, ठीक है, ऊपर की लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे की लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। और सन का जो मूवमेंट होता है ना, इसी बीच में होता है, इसी बीच में, यहाँ पे टेम्परेचर, और ये कंट्री जो होती हैं, ये इसको छोड़ के यहाँ पे जो कंट्री होती है सेंटर पे, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, लेकिन बाकी जो इधर इधर और इधर इधर ये होते हैं ना, इनको ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। तो यहाँ पे इन जनरल टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर भी आपको दिखेगा इधर ज़्यादा, तो
तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो होता है ना, डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है कंपेटिवली। लेकिन इसके ऊपर अगर जाइए, जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया या अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, साइबेरिया हो गया, नीचे साइड में ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारी कंट्री जो है आइलैंड कंट्री जो ठंडे हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेट। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर भी क्या है, डाउन है, मॉइस्चर भी क्या है, ठंडी ठंडी हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है कम। अरे भाई, ठंडा लगने से मॉइस्चर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मॉइस्चर भी क्या होता है, कम होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन को क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, अपोज करते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो होता है ना, डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। क्लियर है कि नहीं? यस, अब क्लियर होना चाहिए भाई, इससे ज़्यादा कितने आराम से बताया जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा आराम से नहीं बता सकता। और इससे अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कि अब आप समझ पाएंगे। इस कंट्रोल बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो हमने क्लाइमेटिक फैक्टर को ही अभी पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, ठीक है। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटीन। मान लीजिए अगर कोई भी डेट्रिटस है उसमें लिग्निन का अमाउंट ज़्यादा है, ये सब बहुत हाईली रजिस्टेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, जल्दी से डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। और काइटिन पता है ना, काइटिन कहाँ होता है, जो कॉकरोचेज होते हैं उनके भी बॉडी में काइटिन देखने को मिलता है, जो ऊपर का उनकी स्किन होती है, तो उनका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। और कुछ कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो जो डिकम्पोजिशन को फास्ट करती हैं, जैसे इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर, ठीक है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। उसके अलावा टेम्परेचर एंड सॉयल मॉइस्चर जो कि बताया मैंने, आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो इसको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर कौन सा है, जो कि आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है किस चीज़ को, एक सेकेंड, किस चीज़ को सपोर्ट करता है भाई, डिकम्पोजिशन को यार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द सॉयल माइक्रोब्स। तो ये एक्चुअली में टेम्परेचर और मॉइस्चर डायरेक्टली अफेक्ट किसको करते हैं, जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी आप देखें ना, दही जमाने के लिए आप अगर दूध को, दही जमाने के लिए, ऐसा नहीं कि दही फ्रिज में रखने के लिए, दही जब जम रही हो, मिल्क है और इसमें आपने दही वाले मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को आपने ऐड कर दिया है, मान लीजिए जोरन डाल दिया जो ऑलरेडी दही बना हुआ है, और इसको आपने ना फ्रिज में रख दिया, आपको क्या लगता है कि दही बनेगा? नो, आप डाल के देख लीजिए, कभी नहीं बनेगा। या फ्रिज में डाल दिया, या मिल्क बिल्कुल बॉयलिंग है और आपने इसमें ऐड कर दिया, तो भी ये मर जाएंगे। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, टू हाई और टू लो, ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है, यहाँ पे तो माइक्रोब्स मर ही जाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कहानी है, इसीलिए अल्टीमेटली माइक्रोब्स को जो कंट्रोल किया नेचर ने, कंट्रोल किया जिस तरीके से, उसी तरीके से जो होता है डिकम्पोजिशन का रेट जो है डिसाइड होता है। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो कि ट्रॉपिकल कंट्री में होते हैं, ठीक है, ये फेवर करते हैं, ये ध्यान रखना है। ये मैंने अभी आपको बताया, ये कहाँ होते हैं, ट्रॉपिक्स पे, ठीक है। एंड दूसरा, लो टेम्परेचर एंड एनएरोबियोसिस, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, नहीं हो, ठीक है, इनहिबिट डिकम्पोजिशन। तो ये नॉर्मली टेम्परेट रीजन में होता है या मार्सी एरिया में हो, मार्सी में जहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन होती है, ठीक है, रिजल्टिंग इन क्या है, बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ना ऐसे इकट्ठा होता जाता है, ऑर्गेनिक मैटर ऐसे इकट्ठा होता जाता है। क्लियर है कि नहीं? सो सारी कंडीशंस हमने बता दी, क्या क्या कंडीशंस अफेक्ट करती हैं, कैसे इम्पैक्ट होता है इसका, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको दिखा दें, इस प्रोसेस में देखिए दिखाया गया है, जो पढ़े हैं वहीं दिखाया गया है, बता दें नहीं तो इसके लिए भी आप टिकेंगे। ये पेड़ है, प्लांट है, इसकी पत्ती गिरी या कुछ भी, ब्रांच या पूरा का पूरा पेड़ निकल आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, अब इस पे क्या है, इंसेक्ट, देखिए कुछ इंसेक्ट आए ना एंड कुछ एनिमल्स इसको खाएंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इंटर द फूड वेब, ठीक है। अब देखिए ये आया, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, जिससे यहाँ पे यह है कि एनिमल अगर कोई खा गया तब की दिखाया है एरो, ये भी एक प्रोसेस होगा, एनिमल भी अल्टीमेटली मरेगा ना, तो भाई ठीक है। ये इंसेक्ट देखिए क्या चल रहा है, ये फ्रेगमेंटेशन है, ये फ्रेगमेंट करेगा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसके ऊपर फंजाई ग्रो किया, ये फंजाई मशरूम दिखाया गया है, ठीक है।
और कुछ जो होंगे यहाँ से लीचिंग भी होगी, एक साथ दिखा रहा है ना, तो ये है ना केमिकल एक्शन से तो न्यूट्रिएंट जो है लीच कर रहा है, तो ये लीचिंग का प्रोसेस है। अल्टीमेटली लीचिंग के बाद क्या होगा, यहाँ इकट्ठा होगा ना, डिपॉजिट होगा या प्रेसिपिटेशन हमने जो बोला था ये भी होगा, और इधर से ये प्रोसेस और क्या करेगा, डिकम्पोज करके आएगा और इनको ब्रेक करेगा। तो इसके ऊपर देखिए अर्थवर्म को भी दिखाया है खाते हुए जो भी है, ठीक है, पार्सली डिकम्पोजिशन, यहाँ पार्सली कंज्यूम हुआ उसके ऊपर ये ग्रो किया और फर्दर डिकम्पोजिशन हो रहा है इन सब के द्वारा, देखिए बैक्टीरिया सॉयल।